ठंड के मौसम में चना रबी की मुख्य फसलों में से एक है। यूं तो इसकी खेती की शुरुआत सितंबर के महीने में हो जाती है, परंतु यदि किसी कारणवश इसमें देर हो जाती है तो किसान भाई 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक में इसकी बुआई कर चने की पिछात खेती कर सकते हैं। इसकी खेती के लिए मध्यम या फिर नमी युक्त निचली भूमि उपयुक्त मानी जाती है। इसकी खेती में बुआई के वक्त बीजों की मात्रा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बीजों की मात्रा प्रति हेक्टेयर भूमि पर 70 से 75 किलोग्राम के बीज होनी चाहिए। इसके अलावा बीजों को लगाते वक्त कतार से कतार की दूरी तथा बीज से बीज की दूरी का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले किसान भाई को ध्यान रखना है कि धान की अगर कटाई देर से होती है झारखंड में, तो उस कंडीशन में हमें 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर के अंदर सोइंग कर लेना उचित समय है वो, और उचित समय पे लगाने से हमारा पैदावार भी अच्छा मिलता है। खेत का चुनाव मध्यम जमीन होना चाहिए। अगर मध्यम जमीन खाली नहीं हो तो निचली ज़मीन में अगर पर्याप्त नमी है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करने के लिए आपको पहले खेत का चुनाव कर लिए, उसके बाद वो आप उसको जुताई 2 से 3 बार गहरी जुताई कर लें, और जुताई करने के बाद आप पाटा जरूर चलाएं। भाई किसान भाई छिड़क के ना मतलब छिड़काव करके चना ना लगाएं, इसे वैज्ञानिक तरीके से लगाएं, जिसमें कि कतार में लगाएं, और कतार से कतार की दूरी जो हो 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर। ऐसा करने से क्या होता है कि किसान भाई छीट के चले आते हैं और उसके बाद चिड़िया भी चुग जाती है, कहते हैं कि कैसा सीड दिए, जर्मिनेशन नहीं हुआ। तो इसका हमेशा ध्यान रखें कि कतार में लगाएं और वो एक कोना से दूसरे कोने रस्सी सीधा कर लें, और रो में आप दूरी के हिसाब से लगाएं, दूरी के हिसाब अंदाज एक कर लें कि 10 सेंटीमीटर पे हम बीज गिरा रहे हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो पौधा निकलता है उसको उचित मात्रा में खाद भी मिलता है और बढ़वार भी अच्छी होती है। किसान भाइयों, चने की पिछात खेती में बीजों की अहम भूमिका होती है। इसी पर फसलों का उत्पादन निर्भर करता है, अतः बीजों के प्रभेद का चुनाव अपने प्रदेश के वातावरण के अनुकूल करना बेहतर होता है। अपने झारखंड प्रदेश में GNG 2144, पंतग्राम 5, पंतग्राम 114, KPG 59 तथा JG 14 चने के उत्तम प्रभेद माने जाते हैं। इन प्रभेदों के बीजों की उत्पादन क्षमता काफी अच्छी होती है। यहाँ के लिए एक GNG 2144 है लेट पिछात खेती के लिए, पंतग्राम 5 है, 114 है, और KPG 59 एंड JG 14, जो कि JG 14 जो है हीट टॉलरेंट भी है, ये अगर लेट लगती है तो ये इसमें जैसे फरवरी में टेम्परेचर अचानक सूटअप कर बढ़ने लगता है तो उसको ये टॉलरेट करने की उसमें JG 14 में क्षमता है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा किसान भाई को कि समय से ज़रूर बुआई करें। ज़्यादा अगर विलंब करेंगे पिछात की खेती के लिए 1 दिसंबर से 15 दिसंबर उपयुक्त समय है। अगर उसके बाद आप करते हैं तो आपको उपज में कमी महसूस जरूर होगी। और सबसे पहला है कि ये दूसरी बात है कि किसान भाई हमेशा तैयार रहें कि हम समय पे लगा लिए, लेकिन उसका जो रख रखाव, जो पौधे को एक बच्चे को जिस तरह माँ पाल पोस के बड़ा करती है, उस तरह हमको पौधे को रख रखाव में हमेशा सतर्क रहें। जैसे हमने बताया खरपतवार को, उसकी अच्छी बढ़त हो इसके लिए, और खाद का बैलेंस उचित मात्रा ही डालें, ज़्यादा ना डालें। आप ज़्यादा डालेंगे तो आपकी लागत बढ़ेगी और जलेगा भी, और ज़्यादा नुकसान भी होगी। यूरिया चूँकि इसमें है कि चने में कम से कम यूज़ करते हैं, ऐसा क्यों कि उसके गांठ में एक नोड्यूल बनता है, जो नोड्यूल है वो वायुमंडल से वो हवा लेके अपने जमीन में वो फिक्स कर लेता है, जब उसकी ज़रूरत होती वो पौधे को वो देता है।